भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद की जय हो। तेज खबर 24 में इस वक्त खबर आ रही है रीवा से, जहां रीवा सहित प्रदेश के बहुचर्चित रेप कांड के मामले में गिरफ्तार महंत सीताराम दास सहित उनके सहयोगी संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा को पुलिस जिला न्यायालय लेकर पहुंची है। पुलिस आरोपियों को न्यायालय के कोर्ट रूम में लेकर दाखिल हो चुकी है, जहां आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तेज खबर 24 में सबसे पहले रीवा के जिला न्यायालय से आ रही इन सीधी तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अधिकारी सुरक्षा बल के साथ इन आरोपियों को रीवा के जिला न्यायालय लेकर पहुंची है, जहां इन्हें दुष्कर्म के आरोपों में और आरोपी को संरक्षण देने के मामले में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बता दें कि रेप कांड के मुख्य आरोपी महंत सीताराम दास को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड में लिया था, जिनकी रिमांड अवधि आज पूरी होने के बाद उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद सभी को आज जिला न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो इस वक्त की तेज खबर 24 आपको यह सीधी तस्वीरें दिखा रहा है रीवा के जिला न्यायालय से, जहां प्रदेश सहित रीवा के बहुचर्चित रेप कांड के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी महंत सीताराम दास सहित उनके सहयोगी बने आरोपी संजय त्रिपाठी व अंशुल मिश्रा को जिला न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची है, जहां जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए न्यायालय से सिफारिश कर सकती है। न्यायालय से आ रहे इन सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महंत को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार संजय त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत की जय हो। पुलिस कस्टडी में संजय त्रिपाठी खुद को चीख चीख कर बेकसूर बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लगा रहे हैं। यह तस्वीरें हैं रीवा के जिला न्यायालय परिसर की, जहां पुलिस आरोपियों को लेकर जिला न्यायालय में पेश करने पहुंची है और इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत की जय हो।